क्या होता है जब एक लड़की को अपने से बड़े उम्र वाले लड़के से प्यार हो जाता है। ये मूवी सेल्फ लव सेल्फ ऑब्सेशन पे बेस्ड है। प्यार में किस हद तक जाना सही है और कहां पर रुकना है, ये मूवी इन बातों से डील करती है। वैसे इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इस मूवी को समझने वाले हैं। इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक रूम से जहां पर हमारी मेन कैरेक्टर सेलो पेपर को फाड़ रही होती है। असल में सेलो का ब्रेकअप हो चुका होता है, इसके कारण वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तभी उसके लैपटॉप पे एक मैसेज आता है एक स्ट्रेंजर का एंड वो स्ट्रेंजर ये मैसेज लिखता है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। सेलो बोलती है कि नहीं, मैं हार्ट ब्रोकन हूँ। स्ट्रेंजर बोलता है हार्ट ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल। सेलो इस पे स्माइल करती है और वो बोलती है हाँ। स्ट्रेंजर कहता है कि चलो प्रूफ तो हो गया कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। सेलो अपने बारे में स्ट्रेंजर को बताना शुरू करती है कि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है, उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मतलब वो एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। सिटी में मूव होने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गई और बिगड़ गई। सेलो ये भी बताती है कि वो अपने पेरेंट्स की पहली बेटी है और उसके बहुत सालों बाद उनको एक ट्विंस हुआ। सेलो कुछ भी मांगती थी तो उसके पेरेंट्स उसको वो चीज प्रोवाइड कर देते थे बिकॉज़ वो उनसे बहुत प्यार करते थे और इसके कारण सेलो में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी डाले हुए थे। एक बार सेलो अपने माता पिता को बोलती है कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। बट उसके मॉम डैड उसके बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब सेलो और उस स्ट्रेंजर के बीच में बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती है और सेलो को अच्छा फील होता है जब वो उससे बात करती है। स्ट्रेंजर सेलो को ये बताता है कि उसका ग्रुप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलो उससे ये पूछती है कि अगर मानो एक साइड उसका ग्रुप डूब रहा हो और एक साइड मैं डूब रही हो तो तुम किसको बचाओगे। स्ट्रेंजर बोलता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें ही बचाऊंगा बिकॉज मैं सारे ग्रुप को थोड़ी बचा सकता और तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेलो बोलती है कि उसको स्कूल में मजा नहीं आता, वो स्कूल को चेंज करना चाहती है। फिर वो अपने पेरेंट्स को ये बातें बताती है बट उसके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो वो स्कूल जाना ही बंद कर देती है। बट कुछ टाइम बाद सेलो को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। सेलो सोचती है कि वो बहुत सारी फ्रेंड्स बनाएगी बट वहाँ के जो ग्रुप थे, जो लड़कियों के ग्रुप थे, वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। बट सेलो ने एक बार उनकी मदद की आंसर्स देने में और वो उनके भी दोस्त बन गए। स्ट्रेंजर सेलो से ये पूछता है कि तुम मुझसे और मेरे ग्रुप से मिलना चाहोगी। तो सेलो बोलती है हाँ मुझे मिलना है। ब्रेकफास्ट के टाइम वो अपने मॉम डैड को ये बातें बताती है तो उसके मॉम डैड उसको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि तुम एक ऑनलाइन मिले हुए स्ट्रेंजर से कैसे मिलने जा सकती हो। हालांकि सेलो के पापा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे इसलिए सेलो उनको मना लेती है। बट उसकी मॉम भी उसके साथ जाती है उसको वहां तक छोड़ने के लिए। जब उसके मॉम को वो सारे ग्रुप के लोग सेफ लगते हैं तो वो वहां से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद हमारा स्ट्रेंजर वहां पर आता है। हमारा स्ट्रेंजर जिसका नाम अलेहो रहता है और सेलो एक दूसरे को पूरे टाइम देखते रहते हैं बिकॉज उनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बन चुकी होती है। थोड़े टाइम बाद सेलो के जाने का टाइम हो जाता है तब अलेहो उसको नेक पर किस कर देता है जिसको उसने स्वीट किस का नाम दिया था उनके कन्वर्सेशन के बीच। थोड़ी टाइम बाद सेलो की मॉम आ जाती है इसलिए उसको वहां से जाना पड़ता है और फिर वो घर जाकर ये सोचती है कि वो तो मेरे से उम्र में 10 साल बड़ा है फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसके लव में इतना ज्यादा गिर चुकी हूँ, मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचती हूँ। अब अलेहो को बोलती है कि उसे उससे फिर से मिलना है तो वो क्या करती है कि अपने पापा को बोलती है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना है और मैं सारी रात वहीं रुकूंगी। अलेहो सेलो से ये पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो सेलो बोलती है जहाँ भी तुम्हारी मर्जी हो मुझे लेकर चलो। तो वो दोनों उसके फ्रेंड के घर जाते हैं, मतलब अलेहो के फ्रेंड के घर जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश लग रहे होते हैं और वो जब घर पहुंचते हैं तो अलेहो सेलो से ये पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो सेलो तुरंत हाँ बोल देती है। अब अलेहो इसी बात पे सेलो को किस कर देता है, उसके बाद वो उसको बेडरूम में ले जाता है ताकि इंटीमेट हो सके। बट फिर क्या होता है कि सेलो का फर्स्ट टाइम होता है इसलिए सेलो उसको मना कर देती है, बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अलेहो इस बात को समझता है पर वो अगले दिन से रोज मिलना शुरू कर देती है। सेलो को अलेहो की कंपनी अच्छी लगती थी बट अलेहो ने उससे कहा कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो अक्सर मिलते थे, मेकआउट करते थे बट वो कभी भी इंटीमेट नहीं। एक दिन सेलो की मॉम ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा रूम चेक किया था और मैंने तुम्हारी डायरी की सारी बातें पढ़ ली, ये अलेहो कौन है। तो सेलो बोलती है कि ये एक मूवी का कैरेक्टर है बट कोई रियल इंसान नहीं है। बट उसकी मॉम को उस पर विश्वास नहीं होता, वो उससे कहती है कि तुम बॉयफ्रेंड रख सकते हो, उसके साथ घूम सकती हो बट उसके साथ कभी भी इंटीमेट मत होना। ये बात सुनने के बाद सेलो क्या करती है, अगले दिन ही वो अलेहो को बोलती है कि मैं रेडी हूँ और फिर वो आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद सेलो अलेहो को बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अब यहाँ पर अलेहो मजाक मजाक में ना कह देता है। अगले दिन सेलो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है और उनसे बातें करते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। सेलो उनको अपने रिलेशनशिप की सारी कहानी सुनाती है, उसके बाद वो उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि सेलो एक गंदी लड़की है, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। अब इसके बाद सेलो बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है,
वो अलेहो से बात करने की कोशिश करती है, बट अलेहो उसको बोलता है कि मैं जॉब करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मुझे हर टाइम बात करने के लिए फ्री टाइम नहीं होता। अलेहो और सेलो के बीच में 2 दिनों से बात नहीं हो रही होती है। तब सेलो उसको बहुत सारी वॉइस मैसेजेस भेजती है। अलेहो को ये सब पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि अगर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा कुछ काम तो तुम से, कैसे रहोगी? सेलो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अलेहो को ये सब पसंद नहीं आया। उनके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, बट फिर भी वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। सेलो अलेहो से ये पूछती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम क्या करोगे? तो अलेहो बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी और हुआ भी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सेलो इस बात पर गुस्सा हो जाती है बिकॉज उसको अलेहो से एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उससे शादी करेगा। सेलो उसको गुस्से में बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अलेहो इन बातों को इग्नोर कर देता है। अगले दिन सेलो बोलती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हारे साइड से कोई भी कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हो इस रिलेशनशिप को रखने के लिए। अलेहो इसके बाद सेलो को बिल्कुल भी मैसेज या कॉल नहीं करता। फिर सेलो उसको कॉल कर सॉरी बोलती है रोते हुए, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद सेलो उसके घर जाती है। अलेहो को वो बहुत बार सॉरी बोलती है पर वो फिर भी डोर को नहीं खोलता। वो वहाँ बहुत टाइम तक वेट करती है फिर भी अलेहो उस डोर को नहीं खोलता। अगले ही सीन में सेलो का बर्थडे दिखाया जाता है जहाँ वो 18 की होती है और उसके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं, तो वो बहुत बड़ी सी पार्टी करती है ऑर्गेनाइज। अब इस पार्टी में वो अलेहो को भी बुलाती है बट अलेहो उस पार्टी में नहीं आता। सेलो पूरी तरह से टूट जाती है और वो मरना चाहती है। एक परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए वो बहुत ही कम खाना शुरू कर देती है और वो जो भी खाती है उसका उल्टी भी कर देती है। सेलो का ब्रेकअप हुए 1 साल हो गया होता है, वो अलेहो के घर चली जाती है। अलेहो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेलो बोलती है कि अब बहुत टाइम हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तभी अलेहो की गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। सेलो बोलती है कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा? सेलो को अब किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उसको अपने लाइफ से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। स्कूल से जब सेलो को ऐसे लिखने मिलता है तो वो उसमें लिखती है कि मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वो अलेहो की सारी कहानी अपनी टीचर को समझाती है और उसकी टीचर उसको बोलती है कि तुम्हें एक थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, फिर कोई तो ऐसा काम होगा जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो। अलेहो इस बात को सोचती है और फिर वो कुछ भी खाना छोड़ देती है, मतलब वो सप्लीमेंट्स पे जीना शुरू कर देती है। दोस्तों इस प्रकार के लोग भी होते हैं इस दुनिया में जो कि सप्लीमेंट्स पर जीते हैं बिना खाए, ताकि वो एक परफेक्ट बॉडी को अचीव कर सके। अब यहां पर ये दिखता है कि सेलो और अलेहो अभी भी मिलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अलेहो सेलो को ये बताता है कि उसको एक फ्रेंड के साथ रहना है, जिस पर सेलो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो बोलता है कि उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। सेलो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बिकॉज वो चाहती थी कि वो अलेहो के साथ रह सके, बट वो तो किसी और लड़की के साथ रहने जा रहा था। दोस्तों अगर आपको ये मूवी यहाँ तक अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक नहीं किया है तो। अब अगले ही सीन में क्या होता है कि सेलो अलेहो को कॉल करती है अगली सुबह, और यहाँ पर कॉल को अलेहो की फ्रेंड उठाती है जिसमें अलेहो बोल रहा होता है कि उसको इग्नोर करो। ये सुनने के बाद सेलो सोच लेती है कि अब से वो अलेहो को पूरा इग्नोर करेगी, वो उसके कॉल्स टेक्स्ट कोई भी चीज़ को रिप्लाई नहीं करती। तब अलेहो उससे मिलने आता है। रात में वो दोनों जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी अलेहो बीच में रुक जाता है और वो सेलो को बोलता है कि अब मैं तुमसे अट्रैक्टेड नहीं हूँ, तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो गई। अगली सुबह अलेहो सेलो और उसकी फ्रेंड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी सेलो को कुछ अनकंफर्टेबल लगता है कि अलेहो और उसकी फ्रेंड के बीच में कुछ तो चल रहा है। तभी सेलो देखती है कि वो और उसके फ्रेंड का एक बच्चा है। अलेहो का उसकी फ्रेंड के साथ एक बच्चा है। ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आ गई थी और सेलो को बहुत अजीब सा फील हो रहा था। अब सेलो 18 साल की हो गई थी और अब ज़रूरी नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, तो वो एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई। एक दिन सेलो जब अलेहो के साथ थी तो वो उससे कहती कि तुम अब मेरे साथ रह सकते हो, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अपनी फ्रेंड के साथ नहीं रहने की ज़रूरत है, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। अलेहो बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो और सेलो से एक बार फिर से ब्रेकअप करके चला जाता है। अब सेलो कुछ खाती नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी होती है और एक दिन वो स्कूल में गिर जाती है। उसके पेरेंट्स को उसकी फिक्र होनी शुरू हो जाती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। वो इस बात को पूरी तरह से रेजिस्ट करती है बट उसके पेरेंट्स उसको समझाकर बोलते हैं कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो बोलती है कि मैं 15 साल की उम्र में थी तभी मैंने आपसे कहा था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। वो सारी बातों के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है तुम हमसे अलग रह सकती हो बट हर दिन तुमको हमारे साथ हॉस्पिटल जाना होगा। सेलो को ऐसा लगा कि उससे उसकी सारी फ्रीडम ले ली जा चुकी है। सेलो फिर से नॉर्मल खाना शुरू करती है बट वो खा नहीं पाती, उसके पेट में दर्द होता है।
वो एक दिन क्या करती है कि घर से भाग जाती है इस सब चीजों से तंग आकर। वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पर रुकती है, वहाँ पर स्मोकिंग करती है, ड्रिंक करती है और फिर से कुछ नहीं खाती है, मतलब पुराना वाला लाइफस्टाइल फिर से कंटिन्यू करती है। एक दिन वो अलेहो से मिलने जाती है, बट अलेहो उसको बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ तक तुमको ढूंढने आए थे, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब सियलो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी अलेहो के बारे में सोचकर। सियलो अब अपने आप को कट करना शुरू कर देती है और वो एक लेटर में ये लिखती है कि मेरे मर जाने के बाद गम में मत रहना, बिकॉज मैं जिंदा भी थी तो ऑलमोस्ट मरी हुई थी। सियलो इस सुसाइड अटेम्प्ट से बच जाती है। वो हम सब से कहती है कि मेरे जिंदा रहने का बहुत सारा रीजन है, वो जिस पेन में थी, जिस दर्द में थी, उसके बारे में शायद ही कोई समझ सके। पेन हमेशा से बहुत ज्यादा रिलेटिव होता है। वो अपने रिलेशनशिप, अपने दर्द के बारे में इस स्टोरी में बताती है ताकि इस चीज़ को हम अपने लाइफ से रिलेट कर सके, क्योंकि हम अपने लाइफ में एक बार ऐसे पागलों के जैसे प्यार में ज़रूर पड़े होंगे। सियलो की उसकी डिप्रेशन से उठने की स्टोरी उसने इस बुक में लिखी थी और अब वो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर है और उसके दो डॉटर्स भी हैं। आज के टाइम में सियलो अपने तीसरे बुक पे काम कर रही है और वो आज के टाइम पे बिल्कुल हैप्पी भी है। असल जिंदगी से ली हुई ये मूवी हमारे लाइफ के बहुत सारे फेसेस को डिफाइन करती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।